अजमेर में उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अनासागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और अनासागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने का कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हुए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊंट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ के बैठ जाते थे आज क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर कोई कामिल जादूगर है और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए। हिंदू की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में पढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नपाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नपाक करते हो जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया ना तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे, जाओ एक मशकीजा पानी ले आओ
ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मशकीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकीजा पानी से बाहर आया, अना सागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा अना सागर मशकीजे में बंद हो गया था। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की कटरियां लाते हैं और अना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से। उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को बहुत बड़ा धचका लगेगा और ये बहुत तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से मुजाकरात किए जाएं। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसके मुतालबात माकूल होंगे तो तस्लीम कर लिए जाएंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो, हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब, मशकीजा वापस तालाब में डाल आओ। जो ही मशकीजा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मुअर्रिख इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्ला अलैह से मुनाजरा रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्ला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्ला अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्ला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका था, जो जीतने आया था वो हार चुका था। पंडित रामदेव ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है, जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। मैं हूँ मोहम्मद अमन रज़ा कादरी और आप सुन रहे थे इस्लामी कहानी हमारी जुबानी। पहले की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।